अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शेफ इज़ किचन। और आज हम लोग बहुत ही मज़े का पराठा बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे लोग ये खाना पसंद करते हैं, देख रहे हैं हम। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, थैंक यू। और अब हम लोग ये देखें बनाने लगे हैं। पेड़ा बना लिया हमने एक, ठीक है। और इसको इस तरह करके प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर थोड़ा सा इसको बेलेंगे हम लोग, ठीक है। बेल के इसको जब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक ऑयल लगाएंगे, ठीक है। एक ऑयल की लेयर, मैं घी से पराठा नहीं बनाती, एक तो पहले हैवी होता है तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें और जो है ना हेल्दी भी खाएँ और मज़े का भी खाएँ, ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम लोगों ने इसकी चारों साइड फोल्ड कर लेनी है और इसको स्क्वायर शेप में कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर पराठा भी हो और लेयर्स वाला भी हो तो हम इसको एक दफ़ा और इसकी लेयरिंग करेंगे। जैसे कि इसको आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है और इसके अंदर दोबारा मैं एक ऑयल की लेयर लगाऊंगी, ठीक है। और इसको हम दोबारा से फोल्डिंग करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, इसने ऑयल लगाया है, हल्का से लगाएं और आप देखेंगे बहुत अच्छी लेयरिंग बनेगी और क्रंची सा आपको पराठा मिलेगा, ठीक हो गया। और ये हमने दोबारा से इसको स्क्वायर शेप में किया है, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट जो है स्क्वायर शेप जो है ना बनते बनते नहीं उसकी बन रही होती। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक और टिप आपको मैं एंड पे दे दूंगी, तो उससे जो है ये बिल्कुल जो है स्क्वायर सही परफेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें, और अगर आपको वो सीक्रेट टिप चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक हो गया। इस तरह करके हमने इसको बड़ा कर दिया, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, थोड़ा सा साइडों से निकला हुआ है। तो ये देखें, ये है टिप के आप जो है ना इसको साइड से छुरी से जो है इसको बिल्कुल स्क्वायर कर लें। ये देखिए, अब आपको दिख रहा है कि बिल्कुल स्क्वायर हो चुका है। तो अब इसको हम तवे पे डालेंगे और जो है गरम तवे पे डालिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और कंजस्ट करके इसको बिल्कुल सही कर लिया, क्योंकि जब हम इसको हाथ से पलटते हैं तो ये थोड़ा सा हो जाता है। और इसको आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि फ़ौरन ही ऑयल डाल देना है, वरना कच्चा कच्चा आपको पराठा दिखेगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। पहले इसको आप अच्छी तरह सेक लें दोनों साइडों से, फिर उसके बाद इस पर ऑयल लगाएं, जैसे कि मैंने किया। ये देखें, हम लोग ये दोनों साइड से रोटी हल्की हल्की सिक गई थी, फिर उसके बाद मैंने दिया था। ये देख रहे हैं आप लोग, फूल भी रहा है और पतला सा भी बना है और क्रिस्पी भी बनेगा। आप अभी इसको देखिएगा, और इसको थोड़ी आपने फुल तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम रखना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको ऐसे करेंगे और इसको प्रेस करते रहें। देखें, मैं चिमटे का इस्तेमाल नहीं करी, चिमटे से ये शायद टूट जाएगा। तो ये देखें, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें, ठीक है। इसकी फ्लफ़ीनेस देखिए आप लोग, ये बार बार फूल जाता है, ठीक हो गया। और इसको प्रेस करते रहें, हल्का हल्का प्रेस करें और इसको बने, और तेज़ आंच पे ना पकाएं वरना जल जल जाएगा, ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो इसी तरह गोल्डनिश सा पराठा अगर आप लोग क्रंची सा खाना चाहते हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पर बनाइएगा। जी, हमारा पराठा दोनों साइड से सिक गया। और आप मुझे बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, इज़ इट ईज़ी, और आपको अभी भी कुछ मुश्किल है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इससे भी ज़्यादा इजी आपके लिए रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी। तो आज मामा ने ऑमलेट बनाया हुआ था, तो मैंने ऑमलेट, अचार और ये हरी चटनी, ये सब हम लोगों ने जो है ना, चटनी भी जो है मैं जो है ग्राइंडर में नहीं बनाती, हाथ से बनाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको शेफ़ीज़ी की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट करना ना भूलिया करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।